आपसी रंजिश में 30 जानवरों को मिली मौत, आपसी दुश्मनी के कारण जानवरों को दे दिया जहर। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बसोर बस्ती में एक के बाद 30 जानवरों की अकाल मौत हो गई। चिकित्सकों के द्वारा जब पीएम किया गया तो पता चला कि जहर खाने के कारण जानवरों की मौत हुई है। इस पूरी घटना को लेकर फरियादी के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे घटना के संबंध में फरियादी लल्लू बसोर द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक कबाड़ व्यापारी से उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसके जानवरों को जहर देकर मार दिया। घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में नामजद की गई है। फरियादी की माने तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है फरियादी लल्लू से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो बाउंड्री डिपेंड है, का उठा ला रहे? हाँ, वहीं का घर में आ लिया है रे। हमारा लल्लू नाम। ये क्या मतलब, कितने जानवर मर गए, कैसे मर गए, पता है आपको? हाँ, जहर देकर 30 जानवर मरे, छोटे बड़े मिला के। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो हमारा 1.5 से ऊपर है, 1.5 लाख के ऊपर। ये कैसे मर गए, कुछ पता है? जहर देकर हमारे दुश्मन की हम देखा है आँखी से देखें। कौन दिया है? ये नाम बताएंगे, 5 आदमी 6 आदमी हैं उसमें। यही के बस्ती के? बस्ती के हैं सर, सन्ने लाल, रमेश, कहा गोलू, नरेश, मुकेश, लद्दू। 6 आदमी धमकी दिए हैं कि हम तो जान मार डालब, तुरे जानवर का एक ठेना बची जहर दे देंगे। रिपोर्ट किए हैं आप? जी, करें हैं। नाम लिखवाए उसको इनका? हाँ, पूरा लिखा है नाम। क्या किया? पुलिस नहीं की उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। पोस्टमार्टम भाई है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने क्या कहा? गया हुआ से नहीं, बिछिया से बेउब नहीं है। पोस्टमार्टम कई दिन रिपोर्ट नहीं भेजी, जो करीन हो का कही। इतनी बड़ी परेशानी, हमें रास्ता नहीं निकल पाई था। हम लोग उधर ही है, मेहरियन के बिटियन का इंजाम बोलते हैं कि हम तुमको पकड़ के एक कुकर्म करेंगे, मादर चोरी भरे न रहे तो गए। ऐसी ऐसी बात हमारे पर उसमें यहाँ आया है, रात रात दिन के मेंकते हैं, ज़बरदस्ती उनके पास है। मान ली कुछ कहे लायक नहीं, यहाँ सोची थी कि का करी। पुलिस यहाँ रिपोर्ट भगा देती कि चला हटो हटो, ये काम करते हैं। सर, आपसे निवेदन यह है कि हमारे पैरवी सुनी आप लोग।